रात के 2:30 बज रहे थे। हॉस्पिटल के सामने दानिश अकेला था। उस जगह दानिश एकदम शांत चुप होकर खड़ा था। तभी वहां पर दानिश का दोस्त आ जाता है, जिसका नाम नाजिम होता है। नाजिम दानिश से बोलता है, अरे दानिश मेरी जान, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो एडमिट था ना हॉस्पिटल में, बीमार था तू, तो ये सब छोड़, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? दानिश नाजिम से कहता है, डूड मैं मर गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब तू आया है, तू भी मर। नाजिम डर कर भागने लगता है। तभी दानिश हंसने लगता है और कहता है, डूड मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर नाजिम दानिश के पास आता है और उसको साहिल के बारे में बताता है। साहिल दानिश का दोस्त था। नाजिम बताता है, साहिल ना आज अपनी कार से ऑफिस जा रहा था, रास्ते में एक ट्रक वाले ने उसका एक्सीडेंट कर दिया और वो जिंदा नहीं बचा, मर गया। दानिश साहिल की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और नाजिम से कहता है, नाजिम चल यार तू मेरे घर चल। वो दोनों जिस सड़क से घर जा रहे थे उसी सड़क पर आगे एक आदमी खड़ा होता है। दानिश उस आदमी को देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साहिल ही था। साहिल को देखने के बाद दानिश तुरंत उसके पास जाने लगता है। तभी नाजिम दानिश का हाथ पकड़कर उसको अपने पास बुलाता है और दानिश से कहता है, दानिश मरना है क्या तुझे? मैंने बताया ना उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो साहिल नहीं है, वो भूत है, वो मार डालेगा। तभी अचानक से दानिश पीछे की ओर देखता है तो वो देखता है कि साहिल उनकी ही तरफ आ रहा था। ये देखने के बाद दानिश नाजिम दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पेड़ में छुपने के बाद दानिश नाजिम से कहता है, डूड तू सही कह रहा था, ये भूत है, डूड तू बोल कुछ क्यों नहीं रहा है? दानिश जैसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है नाजिम की जगह साहिल बैठा होता है। साहिल को देखने के बाद दानिश साहिल से बोलता है, साहिल देख मुझे नहीं पता था तेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे नाजिम ने बताया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तू मर गया है, भाई मुझे जाने दे देख। तभी साहिल हंसते हुए बोलता है, अरे ओ दानिश किसने बताया तेरे को? नाजिम ने। अबे मेरी और नाजिम की मृत्यु ना साथ में हुई थी, एक कार में मरे थे दोनों, और तू बहुत कहता था ना जीवन साथ में जिएंगे, मैं तो मर गया, अब तू भी मर। ये बात सुनकर दानिश डर कर भागने लगता है। आगे की तरफ वो भाग ही रहा था तभी उसे नाजिम दिखाई देता है जो कि मर चुका था। नाजिम को देखने के बाद दानिश वापस भागने लगता है उल्टी दिशा में, लेकिन पीछे भी साहिल खड़ा था। आगे नाजिम पीछे साहिल, दोनों ही भूत, अब क्या करे बेचारा दानिश। इसलिए दानिश डर कर चुपचाप पेड़ के पास खड़ा हो जाता है बीचों बीच। नाजिम और साहिल दोनों दानिश के पास आ जाते हैं। नाजिम से साहिल कहता है, हाँ भाई नाजिम बोल क्या कहेगा, हाथ या पैर दानिश का? एक काम कर तू हाथ खा, मैं पैर खाता हूँ, चल फिर स्टार्ट करो। जी भाई हम भी सोच रहे थे, चलो खाया जाए। दानिश ये सुनकर उनसे डरते हुए कहता है, यार देखो तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, बस मुझे जाने दो। ये सुनकर नाजिम और साहिल दोनों हंसने लगते हैं। अरे यार दानिश बुरा मान गया क्या? अबे यार रात भी बहुत हो गई है, चल मजाक मस्ती बंद करते हैं, तू भी घर जा, हम लोग भी जा रहे, चल नाजिम। नाजिम और साहिल घर जाने लगते हैं। तभी अचानक से साहिल के पास दानिश का फोन आता है। जैसे ही साहिल फोन पर बात करता है वो डर कर फोन फेंक देता है। अबे क्या हो गया, डर क्यों रहा है बे? अबे दानिश खत्म हो गया यार, दानिश भाई मुझे बचा ले। नाजिम ये बात सुनकर बोलता है, अरे यार कैसी बात कर रहा है, हम लोग पीछे था, चल पीछे देख।
जैसे ही वो दोनों पीछे देखते हैं, दानिश नहीं था। सो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो देखने मज़ा आ रही होगी, और अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड को, क्लासेस फ्रेंड को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने नेबर्स को, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो वही, सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, बाय। फैम ब्रो।